नमस्कार मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आम आदमी पार्टी के संयोजक जब तिहाड़ जेल में थे और तिहाड़ जेल से जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इनको जमानत दिया गया उसके बाद सबकी नजरें यही थी कि इस्तीफा देने के बाद आखिर उनका नया ठिकाना क्या होगा क्या शीश महल जो भ्रष्टाचार का शीश महल जो बना रखा था क्या वो शीश महल उनका बना रहेगा या फिर उस शीश महल को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा उनके इस भ्रष्टाचार के शीश महल का दोस्तों खात्मा हो गया और शीश महल को छोड़ करके नया ठिकाना मिल गया है आम आदमी पार्टी के संयोजक का जो पुराना शीश महल जहां पे अरबों रुपए लगाया गया रिनोवेशन के नाम पे आज उसके एक ईट का भी सुख आम आदमी पार्टी के संयोजक को नहीं है तो फिर नया ठिकाना कौन सा है अरविंद केजरीवाल का बताएंगे इस वीडियो में और वो कौन से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जहां पे नया ठिकाना ढूंढा है अरविंद केजरीवाल ने बताएंगे और कैसे दर्जनों नेता का इस्तीफा का दौर शुरू हो गया और किन किन बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी से हरियाणा विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही ये बड़ा कांड हो गया बताते हैं दोस्तों खबरें क्या आई थी कल आई थी यह खबर कि अरविंद केजरीवाल एक दो दिन में अपना सरकारी बंगला खाली कर देंगे उनके लिए घर फाइनल कर दिया गया है यह मीडिया में खबरें नहीं चली क्या आखिर कौन सा घर फाइनल हुआ है कहां पे उनको रहना है किस नेता के यहां रहना है सबको एक लेटर दिया गया था इंटरनली सूत्रों से खबर का पता चला है कि अरविंद केजरीवाल ने सबके पास प्रपोजल भेजा था अब उस प्रपोजल में कौन सहमति जताता है इसका भी खुलासा हो गया क्योंकि हर कोई तो तैयार नहीं था अरविंद केजरीवाल को रखने के लिए क्योंकि इनके बच्चे हैं पत्नी है इनके माता पिता हैं सबको साथ रहना है तो जो सांसद हो या नेता हो जिनको बंगला अलॉट किया गया है तो उनका ऑलरेडी परिवार होगा पहले तो उस हिसाब से इन्होंने सबके पास लेटर भेजा अब जिन्होंने सहमति जताई उसके यहां अब ये कल शिफ्ट होने वाले अब खबर आती है कि ये कौन से बड़े सांसद के यहां शिफ्ट हो रहे हैं जरा देखिए ये भी खबर आ गई है दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का जो नया घर है वो पांच फिरोज शाह रोड हो सकता है वे आज रात तक अपना सरकारी बंगला खाली कर देंगे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल को आवंटित फाइव फिरोज शाह रोड स्थित बंगले में रहेंगे अब आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल हैं उनका स्टेटमेंट क्या आया है इस बयान पे जरा वो बयान भी दोस्तों आप पहले नेशनल कन्वीनर दिल्ली के, के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब कुछ दिन पहले अपने पद से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया तो मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है फिर मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास मेरे दिल्ली के घर में मेरे मेहमान के तौर पे आके रहिएगा मुझे खुशी होगी पार्टी के और कार्यकर्ताओं ने भी और नेताओं ने भी उनको शायद ऐसा ही निमंत्रण दिया लेकिन अब मुझे पता लगा और खुशी हुई मुझे ये पता लगने पर कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है और मेरे साथ रहने का फैसला किया है जब तक कि उनको कोई और घर नहीं मिल जाता तो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर और सांसद के तौर पर ये मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि वो मेरे साथ आके रहेंगे और मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव में जो दिल्ली के चुनाव होंगे जनता उनको भरपूर समर्थन देगी जैसे पहले देती रही है और वो दोबारा पूरे बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल क्या कहते हैं इस वीडियो में कि इनको पता ही नहीं था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद इनके पास घर है या नहीं आप एक सांसद हैं आपको पता नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जो अभी पूर्व हो चुका है उसे इस्तीफा देना पड़ा है और उनको जो सीएम आवास से लौट किया गया था वो 10 से 12 दिन में छोड़ने पड़ते आपको पता नहीं था तो ये जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी कहती है कि ये झूठे हैं वैसे इनके पार्टी के सांसद झूठे इनको सब पता था लेकिन लोकप्रियता अब आपको यह भी बता दे कि आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे पास अगर रहेंगे मेरे साथ अगर रहेंगे तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा बस मनीष सिसोदिया सी जैसी सीख मत लीजिएगा सत्येंद्र जैन जैसी सीख मत ले लीजिएगा नहीं तो तिहाड़ जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है दोस्तों शीश महल को छोड़ के अचानक अरविंद केजरीवाल को जिस बंगले में शिफ्ट होना है उसकी भी वीडियो सामने आ गई है तो आप देख सकते हैं कि खाली करके जो शीश महल अरबों का बनाया गया उसको छोड़ करके अरविंद केजरीवाल को इसी बंगले में रहना पड़ेगा यही वो बंगला है काफी छोटा है शीश महल के हिसाब से तो यह एक अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल रहेंगे शीश महल जो कि अरबों का बनाया हुआ शीश महल और ये एक सांसद को अलॉट किया हुआ घर बंगला अब दोस्तों जरा देख लें आप कि अरविंद केजरीवाल को फिरोज शाह रोड पर जो नया पता मिला है खबर आ रही है कि शुक्रवार को यानी कल सीएम आवास वो खाली कर सकते हैं यानी अब जो मैं खबरें दिखाने वाला हूं इससे यह पता चल जाएगा आपको कि आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल के यहां अरविंद केजरीवाल परमानेंट नहीं रह रहे हैं तो फिर परमानेंट वो कहां रहेंगे यहां पर देखिए पार्टी के तरफ से केंद्र सरकार को अपील करी गई है कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको आवास मुहैया करवाया जाए केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं जिसमें उनकी पत्नी बच्चे और बुजुर्ग माता पिता शामिल हैं राजनीति में आने से पहले हरियाणा के रहने वाले केजरीवाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे तो केंद्र सरकार से दोस्तों अपील करी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनको एक आवास जो है वो अलॉट किया जाए तो किस तरीके से जब जरूरतें पड़ती हैं तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट याद आती है लेकिन जब जरूरतें नहीं पड़ती हैं तो सिर्फ बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट को अमित शाह जी को नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है और इसीलिए बीजेपी ने गड्ढे का शहर आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पे कि इन्होंने दिल्ली को गड्ढे का शहर बना दिया है जरा देखिए कि कैंपेन चल रहा है दोस्तों अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के गड्ढों को उजागर करने के लिए मुंडका मेट्रो के पास आप देख सकते हैं कि वहां पे किस तरीके से सारे नेता बीजेपी के इकट्ठा हुए और ये देख लीजिए कि जो दिल्ली को लंदन की सड़कें बनाने की जो बात अरविंद केजरीवाल करते थे आज देख लीजिए कि वीरेंद्र सचदेवा जी भी मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल की फोटो तमाम दिल्ली की सड़कों पे जहां पे गड्ढे जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के तरफ से करी गई है इसपे बीजेपी ने पूरी तरीके से पलटवार किया है आगे एक बड़ी खबर दोस्तों ये आती है कि विजेंद्र गुप्ता ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी और मंत्री सौरभ भारद्वाज बहुत बड़े झूठे हैं आम आदमी पार्टी मतलब धोखाधड़ी पार्टी अब आरोप क्या लगाया है कि मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुद तारीख चुनी एलजी साहब से मिलने के लिए लेकिन जब समय आया तो मुख्यमंत्री मंत्री आम आदमी पार्टी के विधायक और सारे नेता सब गायब हो गए सत्ता की कुर्सी के लिए जनता को बार बार ठगने की आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है मीडिया में ये बार बार फैलाते हैं कि एलजी साहब हमसे मिलते ही नहीं है हमेशा सौरभ भारद्वाज को अतिशी मार लेना को इन तमाम लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि एलजी साहब तो हमें समय ही नहीं देते जब मिलने का समय आया और एलजी साहब मिलने के लिए वक्त निकाले तो इनके पूरे पार्टी के विधायक नेता सारे लोग गायब हो गए तो सोच लीजिए कि इनकी ये घटिया नीति और घटिया पंथी की वजह से ये एल साहब को बदनाम करते हैं दोस्तों अब बड़ी और ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में इस्तीफे का दौर बहुत तेजी से शुरू हो गया है हरियाणा विधानसभा चुनाव होने से कुछ दिन पहले ही आप देख लें कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और बड़े बड़े कैंडिडेटों ने पार्टी छोड़ ली है और ये जो कैंडिडेट पार्टी छोड़ रहे हैं वो कहां शामिल हो रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं नहीं तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए सबसे पहले हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला की अटेली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील राव ने पार्टी छोड़ दिया दोस्तों चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए आपको बता दें आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता सुनील राव ने महेंद्रगढ़ में कांग्रेस की रैली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली यानी यह पहला आम आदमी पार्टी के नेता ने छोड़ दी पार्टी अब आगे देखिए आगे एक साथ दो दिन पहले ही दो उम्मीदवार ने पार्टी छोड़ी दो अक्टूबर को पानीपत ग्रामीण से जजपा के प्रत्याशी रघुनाथ कश्यप ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया इधर आपको बता दें कि करनाल की नीलोखेरी एसी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमर सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो इधर बीते 10-12 दिनों में दर्जनों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी से दे दिया, छोड़ दिया, कोई बीजेपी तो तो बड़े -बड़े को खबरें सामने आ रही हैं हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा माय वीडियो जय हिंद सत्यमेव